दिल्ली में पिछले 6 महीने से संघर्षरत किसानों के समर्थन में तथा मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया। मंडी में मजदूर संगठनों ने कोरोना नियमों की अनुपालना करते हुए मंडी में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोपेंद्र कुमार जिला कार्यालय सचिव का कहना था कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के चलते लोगों को हो रही आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि मजदूर संगठन सरकार से मांग करता है कि प्रत्येक परिवार को 7,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं किसानों मजदूरों के लिए बनाए गए नए कानूनों को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश व केंद्र सरकार की होगी। आज पूरे देश के अंदर काले दिवस के रूप में अखिल भारतीय किसान मोर्चे के आह्वान पर और हिमाचल किसान सभा के आह्वान पर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 26 मई को पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन किसानों के जो आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है उसके पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं और जो भारत सरकार है उसके कार्यकाल के भी 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो हम ये जताना चाहते हैं आज जो विरोध प्रदर्शन टोकन पार्टिसिपेशन के साथ किया जा रहा है और कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए किया जा रहा है, हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये मांग करना चाहते हैं कि इस कोविड महामारी का कार्यकाल के दौरान जो रोजगार लोगों का रोजगार छीन गया है उनको जो है 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने तक मजदूरी दी जाए। और जो स्वास्थ्य विभाग की जो हालत हुई है प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर उसमें सुधार किया जाए और सबका मुफ्त इलाज किया जाए। वैक्सीन से लेकर के उसके अंतिम संस्कार तक की जो जिम्मेवारी है, जो खर्चे होने हैं वो सरकार मुहैया करे। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रोजगार का कोई अवसर नहीं है तो जो मनरेगा जो काम है मनरेगा के तहत जो होना है उसमें COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा में भी दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग जिनका रोजगार छिन गया है इस महामारी के दौरान इसका COVID-19 के चलते उन लोगों को आर्थिक तौर पे कुछ सहायता इमीडिएट दी जानती है। और इसके साथ साथ जो 3 कृषि कानून जो 3 काले कानून जो सरकार लेके आई है उनको रद्द किया जाना चाहिए और जो 44 श्रम कानूनों को बदल करके 400 में बदला गया है सरकार के द्वारा और हिमाचल प्रदेश में इसकी जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुई है 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे का जो दिहाड़ी का जो समय किया गया है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इस अधिसूचना को अतिशीघ्र जो है रद्द किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में CITU अन्य जन संगठनों को साथ लेकर के तीव्र आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जय हिंद।